आईटी कंपनी में काम करने वाली शीतल को महामारी के चलते साल भर से ज्यादा समय तक घर में कैद रहना पड़ा। उनकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्किंग शुरू किया है। इसका मतलब है कि कर्मचारी कहीं से भी काम कर सकते हैं। इसके बाद से शीतल वीकेंड होम यानी कि सेकेंड होम में निवेश करने की सोच रही है। मनी नाइन के खास शो मकान दुकान में हम बात करेंगे सेकेंड होम की और आपको बताएंगे कि सेकेंड होम खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोविड के बाद घरों की बढ़ती मांग दिखाती है कि लोगों ने जेब ढीली करने का मन बना लिया है। मिड रेंज घर हो या लग्जरी, हर जगह डिमांड दिख रही है। एक और सेगमेंट है जो कुलांचे भर रहा है, ये है सेकेंड होम या हॉलिडे होम्स का। इसमें रिटायरमेंट होम भी शामिल है। आमतौर पर सेकेंड होम का इस्तेमाल छुट्टियां बिताने, वीकेंड का लुत्फ उठाने या फिर रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी बिताने के लिए किया जाता है। अतीत में सिर्फ पैसे वाले लोग ही सेकेंड होम खरीदते थे क्योंकि लोकेशन और सुविधाओं के एवज में आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब इस ट्रेंड में बदलाव आया है। कोविड के दौरान सेकेंड होम को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। वर्क फ्रॉम होम और सस्ते होम लोन के चलते लोग इसे पहले घर के रूप में भी देख रहे हैं। रियल एस्टेट एजेंसी 360 रियलिटर्स की रिसर्च के मुताबिक साल 2021 में देश में सेकेंड होम का बाजार $1.39 अरब का था, जबकि 2019 में इसका साइज $73.9 करोड़ था। सेकेंड होम और रिटायरमेंट होम का बाजार अगले 5 साल यानी साल 2026 में बढ़कर $4.02 अरब का होने का अनुमान है। इसमें करीब 23.63% की वृद्धि दिखेगी। नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुदस्सर जैदी बताते हैं कि सेकेंड होम की प्राइसिंग को लेकर रेंज काफी बड़ी है। हिल स्टेशन और समुद्री इलाकों में बने सेकेंड होम की ज्यादा डिमांड है। गोवा में बीच के करीब के इलाकों में घरों की कीमत 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1 से 3 करोड़ तक के घरों की भी काफी मांग रहती है। हिल स्टेशन में सेकेंड होम की रेंज 25 से 30 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है। सेकेंड होम सुकून के पल देने के साथ कमाई का विकल्प भी देता है। समझते हैं अच्छे रिटर्न का गणित। मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में आमतौर पर रेंटल यील्ड 1 से 3% तक होती है। आसान शब्दों में कहें तो रेंटल यील्ड का मतलब है संपत्ति पर किराए के रूप में मिलने वाला रिटर्न। किसी भी संपत्ति की रेंटल यील्ड निकालने के लिए किराए से साल भर में होने वाली कमाई को प्रॉपर्टी की कीमत से भाग देना होता है और फिर 100 से गुणा करना पड़ता है। गोवा और लोनावला जैसी जगह पर सही लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदने पर 6% तक रेंटल यील्ड मिल सकती है। आप अपने हॉलिडे होम को सैलानियों के लिए किराए पर चढ़ाकर लगातार पैसे कमा सकते हैं। होटल और रिजॉर्ट की तुलना में उन सेकेंड होम्स को ज्यादा तवज्जो मिल रही है जिनमें स्विमिंग पूल, प्लेइंग एरिया और पार्टी लॉन जैसी सुविधाएं हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म सेवल्स इंडिया के सर्वे के मुताबिक करीब 3/4 संभावित खरीदार गोवा, देहरादून, नैनीताल, शिमला, अलीबाग व लोनावला, महाबलेश्वर, कूर्ग, ऊटी और वायनाड जैसी जगहों पर सेकेंड होम चाहते हैं। हॉलिडे होम के लिए गोवा लोगों की पहली पसंद है। करीब 20% लोग ने गोवा में घर लेने की इच्छा जताई है। 29% लोग सेकेंड होम के लिए महाराष्ट्र में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि अलीबाग, कर्जत और लोनावला जैसे लोकेशन पर। मुदस्सर जैदी बताते हैं कि सेकेंड होम खरीदते समय डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी कर लेनी चाहिए। जमीन लेकर घर बनवाने के मामले में बायर्स को वकील से पूरी छानबीन करवानी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए सभी मंजूरियां ली गई हों। इसके अलावा कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होती है वहाँ डिमांड ज्यादा होती है। जैसे गोवा में बेहतर कनेक्टिविटी और इकोसिस्टम है तो वहाँ रेट ज्यादा है। ऐसा ना हो कि रास्ते सही ना हो और पहुँचने में ज्यादा टाइम लगे। वहीं जिन जगहों पर जमीन खरीदने से जुड़ी पाबंदियां हैं, जैसे कि शिमला में, वहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब आप जांच पड़ताल कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि किन मंजूरियों की जरूरत है। अगर आप सभी मंजूरियां नहीं लेंगे तो बाद में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। मनी नाइन की सलाह, घर खरीदने की वजह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हैं या फिर रहने के लिए। सारा पैसा घर खरीदने में लगाने के बजाय कुछ पैसा अपनी जरूरतों के लिए अलग रखें। घर की लोकेशन पर खास ध्यान दें ताकि किराए से अच्छी आमदनी मिल सके और लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ें। रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट लेना ज्यादा सही हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड होम पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट लेना ना भूलें। इससे आपकी टैक्स योग्य आय को कम करने में मदद मिल सकती है।